Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल। अनदर ब्रांड न्यू वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कलेक्शन ऑफ लॉन। आई एम हेयर विद यू इन लेडीज़ कंसर्न चैनल। तो देखिए जी, तो थ्री पीस ड्रेसेस हैं। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कट पीसेस बाय किए थे, उनकी डिमांड ये थी कि थ्री पीस ड्रेसेस लेके आएँ। तो थ्री पीस कैजुअल वेयर मैंने आप लोगों के लेके आई हूँ बाय ZS टेक्सटाइल्स, जो कि मुझे इतना इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा नहीं था, बट अभी जो है लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, कुछ ग्रुप्स में भी देखा, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये जो ZS टेक्सटाइल की साहिल कलेक्शन है उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बाय की है। तो आप लोग डिज़ाइन देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोग जो है ऊपर ऊपर से देख सकते हैं इनको के कलर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जो डिटेल्स में मैं आप लोगों के साथ ये सारे जो डिज़ाइन हैं वो शेयर करूँगी, प्रिंट जो है खोल खोल के आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी आप लोगों को इसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स नज़र आए, एक डिज़ाइन में डिफरेंट कलर्स भी मिल सकते हैं। और जो लोग जो लोग चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं, जो फ़र्स्ट टाइम बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैं आखिर में जो है आप लोगों के साथ लोगों के रिव्यूज़ जो है आफ्टर गेटिंग देयर पार्सल्स जो है उनके रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो आप लोग वो रिव्यू रीड कर सकते हैं, तो आप लोगों का अंदाज़ा होगा कि जो है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप लोग भी जो है बाय कर सकते हैं। जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके जो है मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि व्हाट्सएप पे ही सिर्फ मैं आंसर कर रही हूँ, उसके अलावा कॉल्स वगैरह मैं अटेंड नहीं कर रही। सो आप लोग मैसेजेस करके तो अपना जो है ना वो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो है ओनली व्हाट्सएप उसका जो है वो एक्टिव है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्क्रीन शॉट्स लेके आप लोगों ने सेंड करने हैं जो भी ड्रेसेस आप लोगों को पसंद हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब डिटेल्ड वीडियो जो है वो शेयर कर दी जाती है तो उसके बाद जो है अलग अलग से उसको ड्रेसेस जो है वो दिखाना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझसे बाय किए, और इवन जो है जिन्होंने एडवांस पेमेंट पे जो है ट्रस्ट किया उनके लिए तो मैं बहुत उनकी दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने एडवांस पेमेंट्स पे मुझे बाय किए हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग न्यू बाय करेंगे उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अलावा जो है अभी कोड भी अवेलेबल है जो कि 250 रुपीज़ है ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं कि कोड अवेलेबल है या नहीं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स वीडियो में दे दूं, ताकि आप लोग जो हैं कमेंट्स में उस चीज़ से जो है आप लोगों को डाउट ना हो और आप लोग परेशान ना हो। और जी ये ड्रेस है, देख सकते हैं आप लोग, प्राइसेस जो हैं वो इस सेम प्राइस है सब ड्रेसेस की, और ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो बहुत लो रखी हैं कि उसमें जो है यूँ समझ लें कि लाइक डिस्काउंट्स जो है उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहती, लाइक कि आप लोगों के साथ जो है किसी भी तरह की बहस करूं या आप लोगों को कहूं कि भाई ये प्राइस जो है वो ये ठीक है या ये प्राइस मैं देऊं या मैं किसी और को कोई प्राइस बताऊं या आप लोगों को कोई और प्राइस बताऊँ। तो इसलिए फ़ाइनल जो है ना वो 1000 रुपीज़ में ये ड्रेस है, थ्री पीस लॉन का ड्रेस है, बहुत ज़बरदस्त लॉन है, कलर्स की गारंटी है। आप लोग बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लेंट का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो है आप लोग हैप्पीली इसको बाय करें और जो है ना बेफिक्र हो जाएं बस। ये देखें नेकलाइन बनी हुई है, लॉन का पर्पल कलर का ड्रेस है ये, लाइट कलर्स और डार्क कलर्स दोनों अवेलेबल हैं। और ये इसका जो है आप लोग पोस्टर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी सी गपशप भी करते जाते हैं, ड्रेसेस भी आप लोग देखते जाएं और बताएं कि ईद आप लोगों की कैसी गुजरी। और लॉकडाउन में जो है एक कोरोना वायरस के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग जो है इसे महफूज रहें और सब लोग खैर ऑफिस से हों। ये भी सेकेंड ड्रेस है, लाइट जो है ब्राउन कलर है ये,
हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, सबको जो है हम ये नहीं कह सकते कि लाइक बहुत सारा, लाइक मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो यही रहा है कि समटाइम्स हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये ड्रेस जो है ये तो बहुत लाइक सिंपल है, अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सेम एज जो है हर ड्रेस की अपनी ग्रेस होती है और हर एक की अपनी चॉइस होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है प्रिंट्स अच्छे लगेंगे। होलसेल पे जो भी बाय करना चाहता हो तो फुल सेट बाय करे तो उसको 50 रुपीज़ जो हैं वो लेस हो जाएंगे पर सूट, जो कि लाइक पर सूट लाइक मीन फुल जो सेट इसका जो है 10 सूट्स का जो सेट है वो बाय करेगा तो उसको 50 रुपीज़ पर सूट लेस हो जाएंगे। स्टैम्प्स भी आप लोग देख सकते हैं। डिटेल से दिखाने का मकसद यही है कि पिक्चर भी लोग कहते हैं, लेकिन पिक्चर बहुत सारे जो रीसेलर्स हैं वो मैंने देखा है कि वो जो लाइक जो प्रिंटेड पिक्चर्स आती हैं जो बैक से हम आ रही होती हैं बस वही फॉरवर्ड करी जाते हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप रिलाई नहीं कर सकते, ना आपको फैब्रिक का अंदाज़ा होता है ना फुली जो है लाइक सेटिस्फाई नहीं होते मुझे ये लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर नहीं करती, आप लोगों को दिखा रही हूँ खोल खोल के आप लोग देख सकें प्रिंट और इसके अलावा कि कोई डिफेक्ट तो नहीं। नेक लाइंस आप लोगों को मैक्सिमम के ऊपर मिलेंगी और कलर्स भी मिलेंगे। ये देखिए जी पर्पल कलर है इसका, इसमें दो कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। जो इस तरह से फ्लेयर्स ही बनी हुई है ये सब इसके घेरे के ऊपर आएगी, डिज़ाइन लाइक इस तरह के फ्लेयर्स का वाला बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। आप फ्रॉक भी बना सकते हैं एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा जो है फैब्रिक का इशू आ सकता है कि लाइक जितना नॉर्मल फैब्रिक होता है 3 पीस ड्रेस का उतना ही फैब्रिक इसका होगा, बाकी डिज़ाइन जो है वो आप लोग कलियाँ वगैरह डाल के साइडों पे और कपड़ा ऐड करके सेम कलर्स में तो बना सकते हैं। ये दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी आप देखें जिस तरह से का शर्ट के ऊपर डिज़ाइन था वैसा ही डिज़ाइन जो है वो दुपट्टे में भी है। ये देखें ये इसकी ऊपर से सॉरी वो दुपट्टा था आई थिंक जो सबसे पहले देखा था, ये अभी शर्ट खोली है, ये इसकी नेकलाइन बनी हुई है, नीचे जो है वो उसकी फ्लेयर्स वाला डिज़ाइन बना हुआ है। नेकलाइन के ऊपर डिज़ाइनिंग करते वक्त आप लोग सेंटर में बटन वगैरह लगा सकते हैं, उसके अलावा जो है डिज़ाइनिंग वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती, साइडों पर पाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंटेड लाइक ऑल ओवर प्रिंट वाला लेते हैं तो उसमें आप लोगों को मैक्सिमम ये होता है कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरह की करनी है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये सेम ड्रेस ब्लैक कलर में जो मैं आप लोगों को कह रही थी वो भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में सेम ड्रेस अवेलेबल है।
अब मैं साथ साथ ही आप लोगों को ड्रेसेस जो है वो दिखा दे जाऊँगी और साथ ही उनके चेक इन कलर भी दिखा दे जाऊँगी। ये देखिए आप लोग, स्टिचिंग का वे डिफरेंट है। ये ड्रेस जो है इसकी जो नेक लाइन पे है, उन्होंने बॉर्डर जो है ऑल ओवर प्रिंट वाला ड्रेस है तो इसलिए नेक लाइन पे बॉर्डर लगा दिया हुआ है, और शर्ट जो है उसका फ्रंट और बैक डिफरेंट बना दिया है। लाइक बैक जो है वो लॉन्ग है और जो फ्रंट है वो शॉर्ट है। ये जी देखिए सेम ड्रेस है लेकिन डिफरेंट जो है उसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। उसमें जो है इन्होंने जो फ्रंट उसकी चेस्ट पे जो है वो डिज़ाइन ऐड कर दिया था, और इसमें जो है ओपन शर्ट बना दी है। पहला वाला कलर जो शॉकिंग पिंक है, सेकंड वाला कलर जो है डार्क ब्राउन है। प्लीज़ ऑर्डर करने से पहले जो कलर्स और अच्छी तरीके से मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा कलर लेना है, क्योंकि इस तरह की को जो है आप स्क्रीनशॉट किसी और का भेजें और बाद में कलर आपके जहन में कोई और हो तो इस तरह से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट ये है लाइट कलर है। ये ड्रेस जो है, ये फर्स्ट में मैंने आप लोगों को जो ब्राउन कलर का ड्रेस दिखाया था सेकंड नंबर पे आई थिंक सो, ये बिल्कुल वही ड्रेस है, जस्ट कलर जो है डिफरेंट है। पम्पकिन कलर है ये, और वो जो है वो लाइट ब्राउन था। वंस अगेन गोना शो यू फुली ओपन्ड। ये आप लोग देखें कि नीचे वाली साइड पे जो है फ्लावर्स की जो है लाइनें बनी हुई हैं, और ऊपर जो है थ्री लाइन जो है फ्लावर के साथ ही नेक लाइन पे बनी हुई हैं। ये इसकी बैक है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। लोग बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है। जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पे साइड पे एक जो है वो ट्रायंगल सी बनी होती है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। तो नीचे जो सारी ड्रेसेस की डिटेल्स जो है वो मेंशन की होती है, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो वीडियो के आखिर में जो है वो भी नंबर जो है वो दे देती हूँ, क्या ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है जिन लोगों को नहीं मिल रही होती उन लोगों के लिए स्पेशली जो है वो नंबर। पहले ये था कि मैं ज़्यादा कलेक्शन के हिसाब से लाइक कस्टमर ट्रैक्ट करने होते हैं, तो यही रीज़न थी कि बहुत जो है जल्दी जो कट पीसेस थे वो जल्दी सेल हो गए। ये देखें ये स्लीव्स हैं इसकी, ये बैक है डार्क ब्राउन, ये सेम जो है इनका प्रिंट है फ्रंट बैक का। इसके ऊपर नेक लाइन नहीं है। जिन लोगों का नेक लाइन पसंद नहीं है वो ये बाय कर सकते हैं। इसका दुपट्टा रेड कलर में, इसकी शलवार है, ट्राउज़र है। अनदर ड्रेस देखें, लाइट और डार्क सब तरह के आप लोगों को देख सकते हैं कि अवेलेबल हैं।
चैनल को प्लीज़ जो लोग जो है आफ्टर कॉन्टेक्टिंग जो ये कहते हैं कि जी वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन बाद में कहते हैं जी कौन सा चैनल कौन सी वीडियो थी, उनके लिए कहना चाहूँगी प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को जो ही वीडियो अपलोड होगी तो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस कर देंगे जो ही वीडियो अपलोड हो जाएगी वो आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा तो आप लोग फौरन देख सकेंगे, तो बाद में किसी को ये कंप्लेन नहीं होगी कि आप लोगों को जो है वो लाइक ऑर्डर के जो है वो कपड़े सेल हो चुके हैं या आपने जो है हमें अलग 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 जो है इन्फॉर्म करें, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि आप लोग कलेक्शन देख लेनी हो, इसलिए ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो शायद अगर आप उसको यूट्यूब को ब्राउज़ नहीं करते तो आप लोग जो है वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देंगे तो आप लोग इजीली देख सकेंगे। अभी तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, होपफुली आप लोगों को रेसिपीज अच्छे लगे होंगे, बाय बाय टाटा। प्रोसीजर ये है कि आपने सर्च बार में लेडीज़ कंसर्न चैनल लिखना है, बाद में वहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है। होपफुली यू अंडरस्टैंड।